नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2023 में लोहड़ी कब है, उसका महत्व, उससे जुड़ी मान्यता बताने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हर साल जनवरी माह में हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति की ही तरह लोहड़ी भी उत्तर भारत का प्रमुख पर्व है। खासकर पंजाब और हरियाणा में इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आमतौर पर लोहड़ी का पर्व सिख समुदाय के लोग मनाते हैं। लोहड़ी के पर्व पर रात के समय खुली जगह पर आग जलाई जाती है और उस आग के चारों ओर परिक्रमा की जाती है। लोहड़ी के पावन पर्व पर नई फसल को काटा जाता है। कटी हुई फसल का भोग सबसे पहले अग्नि को लगाया जाता है। आग के चारों तरफ चक्कर लगाकर सभी लोग अपने सुखी जीवन की कामना करते हैं। लोहड़ी के दिन आग में तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल लोहड़ी की तिथि, महत्व और मान्यताएं। पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। इस साल सूर्यदेव 15 जनवरी 2024 को मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। ऐसे में इस साल लोहड़ी 13 जनवरी की जगह 14 जनवरी को मनाई जाएगी। लोहड़ी फसल की बुआई और कटाई से जुड़ी एक खास पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर नई फसल की पूजा की जाती है। लोहड़ी की अग्नि में रवि की फसल के तौर पर रेवड़ी और मूंगफली, गुड़ आदि चीज़ें अर्पित की जाती है। इस दिन लोग अच्छी फसल के लिए सूर्यदेव और अग्निदेव को आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अगले साल भी फसल की पैदावार अच्छी हो। लोहड़ी के पावन पर्व पर लोग शाम के समय तैयार होकर एक जगह इकट्ठा होते हैं और अग्नि जलाकर उसमें तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूँगफली चढ़ाते हैं। इसके बाद सभी लोग अग्नि के गोल गोल चक्कर लगाते हुए गीत गाते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं। साथ ही एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। लोहड़ी के पर्व पर दुल्ला भट्टी की कहानी को खास रूप से सुना जाता है। मान्यता के अनुसार मुगल काल में अकबर के शासन के दौरान दुल्ला भट्टी पंजाब में ही रहता है। कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी ने पंजाब की लड़कियों की उस वक्त रक्षा की थी जब संदलवार में लड़कियों को इन्हीं अमीर सौदागरों से लड़कियों को छुड़वा कर उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई थी। तभी से दुल्ला भट्टी को नायक की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा और हर साल हर लोहड़ी पर ये कहानी सुनाई जाने लगी। अब मैं आप लोग को लोहड़ी से जुड़ी मान्यताएं बताने जा रही हूँ। पंजाब में लोहड़ी का त्यौहार दुल्ला भट्टी से जोड़कर मनाया जाता है। मुगल शासक अकबर के समय में दुल्ला भट्टी पंजाब में गरीबों के मददगार माने जाते थे। उस समय लड़कियों को गुलामी के लिए अमीरों को बेच दिया जाता था। कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी ने ऐसी बहुत सी लड़कियों को मुक्त कराया और उनकी फिर शादी कराई। इस त्यौहार के पीछे धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि लोहड़ी पर आग जलाने को लेकर मान्यता है कि यह आग राजा दक्ष की पुत्री सती की याद में जलाई जाती है। बहुत से लोगों का मानना है कि लोहड़ी का नाम संत कबीर की पत्नी लोई के नाम पर पड़ा। पंजाब के कुछ ग्रामीण इलाकों में इसे लोई भी कहा जाता है। लोहड़ी को पहले कई जगहों पर लोह भी बोला जाता था। लोह का अर्थ होता है लोहा। इसे त्यौहार से जोड़ने के पीछे बताया जाता है कि फसल कटने के बाद उससे मिले अनाज की रोटियां लोहे के तवे पर सेकी जाती है। इस तरह फसल के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली लोहड़ी का नाम लोहे से पड़ा। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि लोहड़ी होलिका की बहन थी। लोहड़ी अच्छी प्रवृत्ति वाली थी, इसलिए उनकी पूजा होती है और उन्हीं के नाम पर त्यौहार मनाया जाता है। कई जगहों पर लोहड़ी को तिलोड़ी के तौर पर भी जाना जाता है। यह शब्द तिल और रोड़ी यानी गुड़ से मिलकर बना है। बाद में तिलोड़ी को ही लोहड़ी कहा जाने लगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।